हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ की समरी। आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बेहतरीन बनना चाहते हो, तो यह बुक आपके लिए ही है। अगर हम अपनी लाइफ में नियम नहीं बनाएंगे तो हम जीवन में बेहतर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो में जीवन के 12 नियम किताब के बारे में बताएंगे, जो यह ऐसे नियम है जो आपकी अव्यवस्था वाली जिंदगी से व्यवस्था की ओर ले जाएंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ है जीवन की कठिन जिम्मेदारी को रोमांच के साथ स्वीकार करना। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, उसका सामना हिम्मत रख कर करे। जब आप अपने कंधे को सीधे रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेखक बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा कमजोर हो, आगे की ओर झुकी हुई हो, छाती भीतर की ओर दबी रहती हो, गर्दन झुकी हुई हो, तो वह व्यक्ति पराजित और अप्रभावी नजर आता है और वह अच्छा महसूस नहीं करता है और वह बिना वजह किसी के सामने झुक जाता है, वह सामना नहीं कर पाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, कंधे तानकर सीधे खड़े होने से वह प्रभावशाली दिखेगा और उसमें हिम्मत आएगी परिस्थिति का सामना करने की। और जब आप जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस स्व इच्छा से आगे आते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग ढंग से प्रतिक्रिया देता है। फिर कोई चुनौती सामने आने पर हार मानने की बजाय आप साहस करके उनका सामना करते हो। लेखक कहते हैं कि आप स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी जिम्मेदारी हो। इसका एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। आप अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। जब आपके परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है तब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते और उसको दवाई दिलाते हो और उसकी देखभाल करते हो। मगर जब आप खुद बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हो और दवाई भी नहीं लेते हो। दोस्तों, स्वयं को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी हो। हम और आप सम्मान के पात्र हैं। आप दूसरों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने स्वयं के लिए। आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान हैं। इसलिए अपना ख्याल रखने के लिए आप नैतिक रूप से बाध्य हैं। आपको अपना उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना आप अपने परिवार का और अपने लिए महत्वपूर्ण लोगों का रखते हो। आपको भविष्य पर विचार करने की और यह सोचने की जरूरत है कि अगर मैंने अपनी देखभाल अच्छी तरह की होती तो मेरा जीवन कैसा होता, मेरे लिए कौन सा करियर चुनौतीपूर्ण होगा जो मुझे उत्पादक और मददगार बनाएगा, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकूं और जीवन का आनंद ले सकूं। इसलिए आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, उसमें आप अभी से उसके बारे में सोचें और उसके अनुरूप मेहनत कीजिए और आप अपनी खूबियों को पहचाने और अपनी जो कमियां हैं उसे पहचान कर दूर करें। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशी आएगी। 12 रूल्स फॉर लाइफ। इसमें लेखक अपने जीवन में दोस्ती के बारे में बात करते हैं। हम अपने जीवन में कई दोस्त बनाते हैं। उनमें से हम जिसके साथ अच्छी दोस्ती बनाते हैं उसके साथ हमें मस्ती करने का मौका मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं और कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं। जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके और दूसरे के लिए लाभदायक होगा तो वे आपका हौसला बढ़ाएगा। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको सावधानी बरतते हुए दंडित भी करेंगे। कई लोग जाने अनजाने में खराब दोस्त बना लेते हैं। वैसे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने का उनका लक्ष्य नहीं होता है और वे शराब और धूम्रपान के आदि होते हैं। और वह लोग आपकी सफलता पर ईर्ष्या करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में अच्छे दोस्त लाना उतना आसान नहीं है। एक अच्छा और स्वस्थ समझवाला इंसान आदर्श होता है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाने के लिए आपको साहस और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने अंदर विनम्रता लाए और साहस दिखाएं। अपनी निर्यम क्षमता का इस्तेमाल करके जो लोग सच में आपका हित चाहते हैं उन्हें पहचान कर अपना दोस्त बना ले। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी तुलना अपने पिछले कल से करनी चाहिए, न कि दूसरों से।
हम सभी अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में यूनिक हैं और हम उसके काबिल हैं। किंतु हम सभी बचपन से ही तुलना करने लगते हैं। आप भले ही किसी क्षेत्र में महारथी हो, पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके सामने आप अक्षम नजर आएंगे और आप उसके साथ तुलना करनी शुरू कर दोगे और फिर आप तुलना करने से आप खुद को कम आंकने लगोगे हो और आप निराश हो जाओगे। इसलिए आप उसकी तुलना ना करें, क्योंकि आप भी एक यूनिक इंसान हो। आप में भी ऐसे गुण हैं जो दूसरों में नहीं है और इसलिए आप अपनी स्किल को कल से आज बेहतर बनाने में मेहनत कीजिए। एक दिन आपकी भी एक अलग पहचान बन जाएगी। इस नियम में लेखक एक उदाहरण देकर पेरेंटिंग के बारे में समझाते हैं। लेखक ने एक भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट पर एक बच्चे को अपने माता पिता के पीछे चलते देखा। वो हर 5 सेकंड में हिसिंग ढंग से चीख रहा था, बिना किसी के उकसाए थे। शायद उसे कुछ चाहिए था, किंतु कुछ पाने के लिए यह तरीका उचित नहीं था। शायद उसके माता पिता इस बात का एहसास करवा देते तो वह बच्चा ऐसी हरकत नहीं करता। लेखक कहते हैं कि माता पिता का यह दायित्व है कि वह बच्चे के सामने संसार के प्रति दयालु और ख्याल रखने वाले प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें। हर माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चे को सामाजिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाए। इससे बच्चे को अपने जीवन में सही अवसर मिलेंगे और उसके अंदर आत्म सम्मान का भाव विकसित होगा। इसलिए आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे और कोई गलती करे तो सही रास्ता दिखाए, जिससे वह कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आप उन्हें नापसंद न करने लगे। लेखक कहते हैं, दुनिया की आलोचना करने से पहले खुद का घर संभाले। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ है, कई ऐसे लोग हैं जो दुखी है। दुनिया में ऐसे भी महान लोग हुए जिसने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन सभी ने अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करके जीवन में सफल बने। हमें भी जीवन में अच्छी चीजों और महान व्यक्तियों के जीवन से अच्छी बातें सीखकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, अपने जीवन की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। जो काम गलत है वह नहीं करना चाहिए। अपने काम के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस तरह हमें दुनिया की आलोचना करने की बजाय हमें अपने जीवन में बेहतर बनना चाहिए। कोई काम तभी तक करे जब तक उसके परिणाम आपके काम के हो। जीवन में बहुत संघर्ष हैं, यह सच जिससे हम झूठ नहीं कह सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सुखी होने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तब तक तुम्हें परिश्रम करना होगा जब तक पसीना न आ जाए। जीवन में सच्ची चीजें मुश्किल भी होती हैं, वह चीजें करने में दिक्कत भी बहुत आती हैं। किंतु वही चीज करने से तुम अपने जीवन में बेहतर बनोगे और भविष्य में जाकर वही चीज अच्छा परिणाम भी देगी। इसलिए हमें अपने जीवन में वह चीजें करनी चाहिए जिसका कोई महत्व हो, वह चीज काम की हो, भले ही वह चीज करने में बहुत परेशानी आए, फिर भी वह चीज हमें करनी चाहिए। लेखक अपनी पढ़ाई के दौरान एक हॉस्पिटल में प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे। उस दौरान एक महिला मरीज लेखक के पास आकर उनसे पूछा कि आप सब यहाँ क्यों खड़े हो, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाओ। वह महिला मरीज बहुत तकलीफ से घिरी हुई थी, इसलिए लेखक महिला से ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे महिला मरीज को ठेस पहुँचे। इसलिए लेखक ने महिला को सहजता से बता दिया कि हम सब छात्र हैं और यहाँ मनोविश्लेषक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ खड़ी नहीं रह सकती हैं। इस जवाब से महिला को ठेस भी न पहुँची और यह जवाब सोच कर बोले गए झूठ की तुलना में कठोर था। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कई बार झूठ बोलते हैं और वह अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और झूठ बोलकर अपने जीवन में ही परेशानी लाते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलते हैं। इस झूठ से वह खुद को और दूसरों को कहीं न कहीं नुकसान दे रहे होते हैं। इसलिए झूठ बोलने की बजाय उसे पहचाने और स्वीकार करके हमेशा सच बोलने का प्रयास करें और सच बोलकर अपना चरित्र अच्छा बनाएं। लेखक बताते हैं कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आप बोल रहे होते हैं, पर आप मुखत्व सुन रहे होते हैं। सुनने का अर्थ है ध्यान देना। अगर आप लोगों को सचमुच सुने
तो वे आपको ऐसी बात बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। कई बार तो हम उसकी बात अच्छी तरीके से सुने तो बातों में वह आपको आपकी गलती के बारे में भी बताएंगे, जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। आपको दूसरों की बात कैसे सुननी चाहिए। 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स सुनने के महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुनने के लिए साहस होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं होता। उनका यह सुझाव था कि जब भी बातचीत हो रही हो तब सामने वाले द्वारा बोले गए शब्दों को और विचारों को एक बार स्वयं दोहराएं और समझने की कोशिश करें कि वह क्या कह रहा है। अगर आप तुरंत जवाब देने की बजाय उन्हें गौर से सुनोगे तो वह आपको ऐसा बता देगा कि जो वह हकीकत में सोच रहा होता है, और वे बताते वक्त छल भी नहीं करेगा। लेखक कहते हैं कि जब बातचीत कर रहे होते हैं तब हमें बातचीत के दौरान हंसी मजाक भी करनी चाहिए। नई चीजों को जानने और समझने के लिए दोनों के बीच आदान प्रदान की जरूरत होती है। इसमें सभी को अपने विचार रखने का मौका मिलता है और जिससे हम नई चीज सीख सकते हैं। इसलिए हमें बातचीत के दौरान लोगों की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता नहीं। इससे आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी और आप जीवन में अच्छी बात सीख सकोगे। जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तब सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। आप वही कहें जो आप सचमुच कहना चाहते हैं, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह आपको जो भी करना है वह स्पष्ट रूप से करें। इसके बाद ध्यान दें और अपनी गलतियों को नोट करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। इसी तरह आप यह स्पष्ट करें कि आपकी मंजिल क्या है, फिर यह तय करें कि आप वहां तक कैसे जाएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करके स्पष्ट होकर मेहनत कीजिए। लेखक जब टोरंटो में थे तब टोरंटो के एक हॉल में बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे थे। तब कुछ लोगों को यह खेल बेवकूफी भरा लगता था। लेखक का मानना था कि यह खेल वाकई बढ़िया है, यह बच्चे बहुत ही कमाल कर रहे हैं। किंतु स्कूल शुरू होने से 2 सप्ताह पहले मैदान में लगे सभी साधने गायब हो गए। दरअसल बच्चों की सुरक्षा के लिए मैदान बंद किए थे, जबकि वे बच्चों के लिए सुरक्षित था। लेखक ने बच्चों के लिए सुरक्षित कहा, क्योंकि जब भी मैदान को जरूरत से ज्यादा सुशिक्षित बना दिया जाए तो बच्चे उसमें खेलना बंद कर देंगे। बच्चों के लिए इतने मैदान खतरनाक तो होने चाहिए कि उन्हें चुनौतीपूर्ण लगे। उसका सामना करने के लिए वह मेहनत और हिम्मत करे ताकि उनका विकास हो। इसलिए लेखक का कहना है कि हमें जोखिम उठाना चाहिए और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए, ताकि हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हो और हमारा साहस बढ़ता है। जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पालें, उसे खाना खिलाएं। इसी तरह आप दिन में कम से कम 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें। चाहे बिल्ली को खाना खिलाना हो, अपने टीममेट को हेल्प करनी हो या किसी भी व्यक्ति मदद करनी हो, इससे आपको बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह आप हर दिन अपने जीवन में बेहतर बनने लगेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के बारे में जाना है। इन 12 नियम को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आप अपने परिवार की समस्या को सुलझा सकते हो। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखे और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।